ठीक कर रहे हैं, करवा देते हैं ये लोग, हटे फोर्स अथी सब हटे। आ देखिए हम लोग तुरंत हम करवा देते हैं कि नहीं करवा देते हैं, जल्दी करवा दीजिएगा, जल्दी जल्दी कि तुरंत हो जाएगा। हाँ, प्रशासन की ओर से, व्यवस्थापक की ओर से, उसके चलते हम लोग संकट भोग रहे हैं। खाना खाए हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं खाए हैं, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अब बिना वोट देले जाएंगे नहीं, चाहे 8 बजे, 9, रात बजे, 12 बज गया, सुबह लाइन लगला हो गया, 4 घंटा, 4 घंटा से लाइन में लगे हैं। हाँ, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यही आदमी निकलिए नहीं रहा है, तो का करता है, कैसन पगला आदमी के बैठा दिया है अफसर के। अभी इस वक्त हम बिहार राज्य के पटना जिला के पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत में हैं। यहाँ पर पैक्स का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले भी चुनाव हुआ था जिसमें एक सदस्य जो है जो जीत गए थे उनका समर्थन नहीं किया गया था, जिसके वजह से वो जो है वो चुनाव रद्द कर दिया गया और फिर से चुनाव हो रहा है। जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वोट देने के लिए इस पंचायत के तमाम जनता लोग आए हुए हैं और लाइन में इस कड़कड़ाती धूप में लोग खड़े होकर के यहाँ पर देखिए वोट देने के लिए खड़े हैं। इस साइड में भी खड़े हैं, उस साइड में भी लंबी कतार में लोग जो हैं खड़े हैं और वोट देने के लिए आए हैं, अपनी अधिकार, अपनी हक, अपनी जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो है ये कतार है, जनता की भी लाइन है कि लोग यहाँ पर आए हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष को चुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं बैठे हुए हैं वोट देने के लिए और सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो वोटिंग हो रही है सुबह से ही हो रही है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो यहाँ बिहार पुलिस के जवान हैं तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं है। आप जहाँ देखेंगे हमारे कैमरे में नज़र आएंगे ये लोग और हाँ, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ लास्ट तक हम आ गए हैं, यहाँ भी देखिए लोग बैठे हुए हैं वोट देने के लिए। अब इन लोग से बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद सिंह। कब से बैठे हुए यहाँ, कब से खड़े हैं? 1 घंटा लमसम हुआ। 1 घंटा हो गया, इतना कड़कड़ाती धूप में वोट देने के लिए आए हैं। हाँ हाँ हाँ, वोट तो देवे करेंगे ना। हाँ, यही तो अपना अधिकार है। हाँ हाँ हाँ, यानी कि देश आज़ाद हुआ तो लोगों का यही आज़ादी मिली, सबसे बड़ी लोकतंत्र का यही आज़ादी मिली कि अपना वोट किसी को देना। 5 घंटा लाइन में लगर रही है। हाँ, तो ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि और भी यहाँ पर बूथ होना चाहिए था। हाँ, बूथ, हाँ, कम से कम एक बूथ और बढ़ जाता ना। हाँ, तो एडजस्ट होता। लेकिन एक ही बूथ बनने के कारण जो है लोगों की समस्याएं ज्यादा हो रही है, लोग काफी परेशान हैं। सोचिए कि ये लोग जो है किसान हैं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं और पैक्स का चुनाव हो रहा है, तो ये लोग चाहते भी है कि हम ऐसे पैक्स अध्यक्ष को चुने जो हम लोग के काम आए। अब कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं वो यही लोग जानते हैं, इनका अधिकार है जिसको भी वोट दें। लेकिन एक चीज़ें जरूर है कि जब ये लोग वोट देने के लिए आए हैं तो सुबह से बैठे हुए हैं, मैं कब से देख रहा हूँ कि ये लोग जो यहीं पर हैं और यहाँ से लाइन जो है धीरे धीरे खिसकना चालू हो रही है ना। कब से यहाँ पर खड़े हैं? अरे हम तो देरी से खड़ा है, लेकिन लाइन लगले कहाँ है। लाइन में ऐसे कहे तो हम नहीं है। कैसे कैसे लाइन है? ऐसे लाइन लगता है चर चर को झुंड बना के। पुलिस का बिल्कुल नहीं है। हाँ, व्यवस्था नहीं है, एक को लगना चाहिए लाइन, चाहे लाइन हुआ तक ले क्यों ना जाए। कहाँ समझते हैं ये, ये, ये आप लोग भी अपने साथ खुद से लग जाइए ऐसे तो फिर वही झमेला था, फिर सबको उजगर चल जाएगा। तब ऐसे लगने से क्या होता है, बीच में आदमी घुस रहे हैं बात करने के लिए। सुने सुने, नहीं नहीं, ऐसे चार चार को जब ऐसे होकर बैठिएगा ना तब बीच में दूसरा कोई आके घुसते हैं। एक को रहेगा, दूसरा कोई नहीं घुसेगा। चलिए, इधर भी कुछ बोल रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं चाचा? हम लोग बिहार का आदमी है, गांव के आदमी है। हाँ, सेटल रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, एक जगह रहे। हाँ, बात करना चाहते हैं। झुमेल है। हाँ, गाँव के आदमी है, झुमेल नहीं है। हाँ, अरे बैठल है, बैठल रहता स्वाभाविक, खड़ा रहेंगे तो लाइन रहेगा। हाँ, बैठला पर तो लाइन रहेगा नहीं, नहीं खड़े खड़े थक गए हैं, बैठ गए। हाँ, तो लग रहा है इनको कि बिना लाइन के है। हाँ, ऐसा नहीं है। अब मान लिया जाए 12 घंटा बाद वोट पड़ेगा, 6 बजे से आ रहे हैं, 6 बजे के बाद हमारा वोट पड़ेगा। सुबह में 6 बजे यहाँ आए हैं, तब बैठल रहे, बैठल है, बैठल है, वोट पड़ेगा जब जाएंगे, दे ही के जाएंगे। चलिए, वोट देकर ही जाना है। हाँ, बाकी आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं। हाँ, क्या कमर टूटा हुआ है, इनको मैंने भगा दिया गया। कमर टूटा हुआ है? हाँ, 4 घंटा से भूखे हैं। हाँ, गिर जा रहे हैं। हाँ, गए तो नहीं वोट देने दिया। क्यों नहीं, ऐसा क्या हुआ चाचा, बताइए क्या दिक्कत? कमर टूटा हुआ है। हाँ, तो आप अंदर गए थे वोट देने के लिए? भगा दिया दो पुलिस। हम बोले कि तू पंजाब में न रह, मिनटों में बर्बाद करवा देते, मिनटों में। वो हम विकलांग हैं, आपको
दिक्कत हो रहा है बैठने का, हाँ है हड्डी घंस का हुआ है। अभी ठीक है, अभी हम बोलते हैं प्रशासन को कि इनको वोट दिया जाए, क्योंकि जो विकलांग है, जो लाचार हैं, उनको पहले वोट देना चाहिए। गए तो भगा दिया इनको, कभी बहस कीजिएगा। बात करते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं जो निरीक्षण करने के लिए, यहाँ पर थाना प्रभारी भी आए, उनसे भी बातचीत करेंगे, जो नज़दीकी थाना प्रभारी हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, ये लोग भी वोट देने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ के जो नज़दीकी थाना, जो पिपरा थाना है, थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर एक सवाल आपसे है, एक विकलांग है जिनका कमर टूटा हुआ है, वो वोट देने के लिए वहाँ गए थे, उनको भगा दिया गया। उनको बुलाइए, एक मिनट हम बुलाते हैं, एक मिनट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर है तो जो विकलांग हैं, जो असमर्थ हैं चलने में, उनको तो देने, उनको तो अलग व्यवस्था करना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी से बोल करके तो करवाते हैं, कहाँ पे है देखिए, वो देखिए उनका कमर टूटा हुआ है ना, ऐसी गलती बात है, एक तो ऐसी परेशान है बिल्कुल। हाँ आप देखिए इनको, हाँ ले जाइए। आप पीठासीन पदाधिकारी बोल के बोल रहे हैं, थैंक यू। तो और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर आपका? हम तो सब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, और क्या चाहिए, जो हम लोग का विधि व्यवस्था को कंट्रोल करना, बस नियंत्रण करना। विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया से कंट्रोल हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब सेटल कर देते हैं। यहाँ पर गैदरिंग ना हो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? ना वैसे महिलाओं के लिए महिला फोर्स भी है, पदाधिकारी भी है, सब अपना महिला को संभाल लेगी। चलिए तो ये हैं थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, जो नज़दीकी थाना पिपरा थाना है, वहाँ के कल्याणपुर पिपरा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं लोग भी आई हुई हैं वोट देने के लिए। यहाँ पर ये चाचा लोग हैं, देखिए बैठे हुए हैं सब लोग, लाठी पहना ले करके यहाँ पर देखिए वोट देने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? जा है, हाँ वोट देना ना है, आए हुए हैं अब कहीं से आ रही? अरे आठ नौ बजे से आ रही। ग्रुप बनाए हुए हैं अलग अलग, देखिए महिलाएं के ग्रुप अलग है, जवान लोग का ग्रुप अलग है, ये लाठी वाले लोगों का ग्रुप अलग है। ये सब देखिए यहाँ पर दिखाइए जरा, ये जो है ना सब जो इस रास्ते में इस कतार में जो भी है सबके पास लाठी है, यानी आप लोग अपना टीम बनाए हुए हैं क्या? ना ना, इसको चल ही में नहीं बनता है, आखिर डंटवे के सहारा से ना चलते हैं। डंटवे के सहारा से चल रहे हैं, लेकिन जितने डंटा वाला आप लोग हैं सब एक लाइन में हैं। हाँ खाली बात कर रहा है, अजय एलन सब वहाँ जाके खड़ा हो जा, अजय बैठा ले बैठला ही रह। अच्छा आप थोड़ा सा इधर हटिए, तो ऐसे इनको थोड़ा बढ़िया से दिखाने दीजिए। तो आपको वोट नहीं देने दिया जा रहा है? वो तो है, ये वोटवा तो मैंने पढ़वे करेगा, एक घंटा पहले चाहे पीछे होगा। कब से आए हुए हैं बताइए? बिना ही चाहे नहीं था। खाए पिए हैं कुछ कि नहीं? कुछ कहाँ खा लिए, कुछ ना, कुछ भी नहीं खाए हैं। अच्छा, लेकिन वोट देना है? अब वोट देना है, वोट नहीं कराना है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि वोट दे कर रहना है, चाहे खाना खाए या नहीं खाए, लेकिन वोट जरूर देंगे, है कि नहीं? हाँ तो अधिकार है अपना। हाँ कब तक नहीं खाना मिलेगा तब पर ही वोट दीजिएगा? हाँ लाइन से निकलने के बाद खाइए। अच्छा, अगर खाना दिन भर ना मिले तो ये वोट दीजिएगा? हाँ हाँ हाँ, चलिए वोट दे करके ही रहेंगे। और ये देखिए सर, ये बूढ़े लोग हैं, इन लोग को पहले करवा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। देखिए लोग भूखे प्यासे सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, बताइए इन लोग से अभी हम बात किए हैं। अपना सब अपने मतदान के प्रयोग करना चाहते हैं, मतदान करने के लिए आए हुए, मन में उल्लास है कि हमें आज मतदान करना है। इम्यूनिटी भी ज़्यादा है, ये लोग बूढ़े लोग भी हैं, थोड़ा छाया लगा, पंखा भी लगा दिया गया है, आराम से पानी उनी पीते रहेंगे लोग, आराम से मिलाए, क्योंकि वोटिंग वाला है, मशीन वाला नहीं है, वो अब तो थम से मारने में दिक्कत हो रही है। उनका कहना ये भी है कि स्लो वोटिंग हो रहा है, भाई बोल कर गए उन पीठासीन लोग, बोल दे कि थोड़ा सा तेजी से हाथ बढ़ाए अपना। क्या बोल रहे हैं आप चाचा? को अभी वोट नहीं पड़ा है, हम लोग 4 घंटा से ही यहाँ हैं। यहाँ हाँ जी, 7:45 बजे से ठहरा है, अभी तक लेके को वोट गिरा है। फिर से गए हैं बोलने के लिए कि थोड़ा तेजी किया। 5 घंटा में जी 100 को भी वोट नहीं पड़ पाया है तो क्या पड़ेगा? क्या हेता सलो से वोट पड़ता है? हालांकि एक और सेंटर होना चाहिए था, एक और सेंटर होता तो ज़्यादा वोटिंग तेजी से होता, लेकिन अब इसकी प्रशासन व्यवस्था में क्या कमी है, कैसे वो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे क्या किए, ये उन लोग की जिम्मेवारी है। लेकिन देखिए इन लोग का भी कहना है कि अभी तक सुबह से लगभग 1 बजने वाला है, 12:30 हो गया, लेकिन अभी 100 वोट भी नहीं पड़े, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक वोट नहीं, व्यवस्था में कमी है, जितना वोटर है, जितना 5 को बैलेट पेपर पर मोहर मारना है उसके अनुसार व्यवस्था नहीं है प्रशासन की ओर से, व्यवस्थापक की ओर से, उसके चलते हम लोग संकट भोग रहे हैं।
खाना खाए हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं खाए हैं। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अब बिना वोट देले जाएंगे नहीं, चाहे 8 बजे 9 रात बजे। 12 बज गया, सुबह 6 बजे से है। अभी फिर अगला 12 बजे तक वोट दे के जाएंगे। हाँ, भूखे रहेंगे लेकिन वोट देंगे। हम भूखे रहेंगे। चलिए, ये होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग को भी जागरूक होने की जरूरत है। चाहे कोई भी वोटिंग हो, किसी भी चुनाव, कैसा भी चुनाव क्यों ना हो, कोई भी चुनाव हो, वोट देना है, अधिकार है। और ये अधिकार हर इंसान को मिला है और भारत के हर नागरिक को मिला है। कोई भी चुनाव हो, आप वोट दें। महिलाएं लोग से बातचीत करते हैं। अच्छा, देखिए, ये दादी शर्मा रही है, इसे क्या बोलूं? आप वोट देने के लिए आई हैं? बोले गोर तो दुखा गया, पैर दर्द करने लगा। खड़े खड़े तो देखिए, महिला ये ना पैर तो दर्द कर लगा, हम इतना देर खड़े नहीं रहते हैं। देखिए, इतना देर तक खड़ी नहीं रहती हैं, लेकिन महिलाएं, देखो दादी हैं, कब से खड़ा है? भी नहीं से, सुबह से ही। बैठ जाइए। कखनी से खड़ी हथिन? कुछ महिलाएं जो बीमार भी हैं, ये लोग भी खड़े हैं। हालांकि इन लोग के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए था, इसमें सुधार भी होना चाहिए था, लेकिन अब क्या बोल रही हैं? साधन है ये ना, खाली इधर से उधर, उधर से उधर ठेला चल रहा है। वहाँ भी वोटिंग हो रही है। अभी तो मैं बात किया हूँ कि जल्दी से तेजी से इसमें थोड़ा तेज किया जा सके। तो बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और भी इधर कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था, लोग खड़े हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इधर भी लोग खड़े हैं और देखिए यहाँ भी इस तरीके से लोग जो हैं बैठे हुए हैं और वोट देने के लिए आए हैं, चाहते हैं कि हम अपना प्रतिनिधि चुने। इधर भी देखिए, कब से आए हुए हैं आप लोग? 4 घंटा लाइन लगला हो गया। 4 घंटा, 4 घंटा से लाइन में लगे हैं। हाँ, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यही आदमी निकलिए नहीं रहा है। तो कहीं का करता है, कैसन पगला आदमी के बैठा दिया है अफसर के। अफसर ना है जी, काला ही सबके बैठा दिया है, झूठ मुठो। अच्छा, आपको वहाँ पर बैठा देता तब लोग ढेर वोट करवा देते हैं। कितना वोट दिलवा देते, सब टिपा दे देके जा। थोड़ा सा पैरवा उधर कीजिए। हाँ, अब ले कितना वोट दिलवा देते हैं आपका? चलिए, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? खेती मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम जल्दी करवा देते हैं। हालांकि वो पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना लेट हो रहा है। देखिए इधर इधर चाचा इधर पूरा पूरा गुस्साए हुए, पूरा गरमाए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? ठीक कर रहे हैं, करवा देते हैं। ये लोग हटे फोर्सा अथी सब हटे। हाँ, देखिए हम लोग तुरंत हम करवा देते हैं कि नहीं करवा देते हैं। जल्दी करवा दीजिएगा, जल्दी जल्दी कि तुरंत हो जाएगा। हाँ, अन्य तो इतने में जनता को खुश कर देंगे कि हाँ, जिसको वोट पड़ गया तो इतने पर गिनती हो जाएगा, सब चले जाइए घर। तब कितना देर से खड़े हैं लाइन में आप? 6 घंटा हो गया। 6 घंटा से लाइन में ही कहीं यहीं पड़े आई हैं। और सिपाही जाते हैं तो खाली डंडा दिखाते हैं। हाँ, लाइन में लगो, लाइन में लगो। अरे कहाँ लाइन में लगे? एक को सामने खड़ा होकर के लाइन वहाँ में लग के रहिए तब ना बुझाएगा। धूपा भी उतना ही है। धूपा तो खैर आज कम किए हुए है, ये वो लेकिन ठठल आई है। ऐसे भी तो आप लोग खेती बधारी करने वाला आदमी है, इसलिए इतना धूप में खड़े हैं। बधारी करने वाले हैं, इसलिए हम लोग खाली पांखों में रहबे करते हैं। फुल पैंट कुर्ता थोड़ी ही पहनते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो फुल पैंट कुर्ता पहन के आए हैं आज? ये इसीलिए आए हैं, वोट देना था, अपना अधिकार, वोट देना था, इसलिए ना। तो कदमों में रहबे करते हैं, थोड़ी बात किए हैं, बोले कि अब तेजी में होगा वोटिंग, अभी तो वहाँ पर गए हुए थे हम। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये उपचुनाव, ये चुनाव हो रहा है पैक्स अध्यक्ष का, पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत में। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।